रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और फिलहाल इसका अंत होता भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इससे प्रभावित पूरी दुनिया हो रही है, लेकिन दोनों देशों में सुलह कराने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। वहीं भारत के पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप ने चैट जीपीटी से समझौता पत्र पेश करने के लिए सुझाव मांगा है। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या दोनों अलग सोच वाले नेता इन सुझावों पर अमल करेंगे। पूर्व भारतीय विदेश सचिव और बेस्ट सेलिंग किताब के लेखक विकास स्वरूप ने चैट जीपीटी को रूस यूक्रेन युद्ध के लिए मध्यस्थता योजना तैयार करने के लिए कहा था। इसने सुझाव दिया कि बातचीत का उद्देश्य समान आधार तलाशना और भावी सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना होना चाहिए। चैटबॉट ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक जैसे वैश्विक वित्त संस्थानों से आर्थिक सहायता की भी मांग की। रूस को यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता देनी चाहिए। चैट जीपीटी ने आगे कहा कि रूस को यूक्रेन में रूसी बोलने वालों की सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए पड़ोसी के साथ काम करना चाहिए, जैसे कि शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में रूसी भाषा के उपयोग की अनुमति देना शामिल है। इसने सैन्य बलों की वापसी का भी आह्वान किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने स्वरूप की पहल को दिलचस्प बताया। हालांकि साथ ही शशि थरूर ने यह भी कहा कि आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या दोनों अलग सोच वाले नेता इन सुझावों पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चैट जीपीटी फॉर्मुलेशन के लिए दोनों पक्षों, मुख्य रूप से रूसियों से कई आपत्तियों के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन यह एक अच्छा प्रयोग है।